नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों मुझे धात रोग जो चिपचिपा पानी चालू हुआ था वो कैसे हुआ था, कितने सालों तक रहा और ये प्रॉब्लम क्या क्या दिक्कत करी, मैंने कहाँ कहाँ इलाज कराया, क्या क्या मुझे समस्या आती थी और मैं कैसे ठीक हुआ और अब कैसा हूँ, मैं सारी एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो जिन लोगों को, जिन दोस्तों को, मेरे भाइयों को ये प्रॉब्लम है धात या चिपचिपा पानी या स्वप्नदोष की, दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बीमारी से मैं गुजरा हूँ। मैंने 9 साल तक इस प्रॉब्लम को देखा है, तो यहाँ पे मैं अपने जीवन की एक एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों हुआ ये, एक सबसे पहले मैं जब 9th 10th क्लास में था तब मुझे स्वप्नदोष हुआ करता था। स्वप्नदोष मुझे 4 या 5 दिन में एक बार होता था, कभी हफ्ते में एक बार होता था। फिर बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मेरे जो नाइट फॉल है स्वप्नदोष, उसकी जो संख्या है वो बढ़ती गई। वो हर दूसरे दिन होने लगा, हर तीसरे दिन होने लगा, फिर धीरे धीरे हर रोज़ होने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ दोस्तों से मैंने बात भी करी तो पता चला कि सभी को होता है नॉर्मली, तो मैंने उस समय उसको इतना ध्यान नहीं दिया दोस्तों। उसके बाद हुआ ये कि मेरी जो पाचन शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई स्वप्न दोष के कारण। शरीर हल्का कमज़ोर होता गया। पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण होता ये दोस्तों कि आप जो खाना खाते हैं वो सही लगता नहीं है और दिनों दिन आपका शरीर कमज़ोर पड़ता जाता है दोस्तों। एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे स्वप्नदोष होने के बाद जब मैं तली गली चीज़ खाता था, वो तो नाइट फॉल होता था दोस्तों गंदे सपने देखने के बाद, लेकिन जब मैं तली गली चीज़ें खाता था, खट्टी चीज़ें खाता था, तब भी मुझे नाइट फॉल हो जाता था। और एक समय ऐसा आया जब दोस्तों कि स्वप्नदोष बीमारी के बाद मुझे चिपचिपा पानी चालू हो गया। पेशाब करने के बाद में पानी टाइप जाता है, लेकिन उसमें कुछ अंश शुक्राणु के रहते हैं थोड़े बहुत। तो दोस्तों मुझे उस दिन पाँव में बहुत दर्द हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, तब मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ रोग हुआ है। दोस्तों उस दिन से मेरा शरीर बहुत ही वीक होने लगा, पाँव में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, आंखें अंदर चली गई, गाल बैठ गए थे, गाल चिपक गए थे, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था, स्मरण शक्ति याद नहीं रहती, चेहरे का ओझ खत्म हो गया था। दोस्तों मैं समझ गया था कि मुझे किसी बीमारी ने जकड़ लिया है। दोस्तों मैंने घर में भी बात करी, अपने पिताजी को बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है धात वगैरह की, तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि बेटा ये सभी को होती है लगभग लगभग, तुम ठंडा वंडा कुछ खा लो, मिश्री वगैरह धागे वाली, तो उससे ठीक हो जाएगा। दोस्तों तब मुझे उतना नॉलेज नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, तब मैंने पापा के बताए अनुसार वो मिश्री खा ली, लेकिन दोस्तों 4-5-7 दिन खाई मैंने, उससे कोई ठीक कुछ ठीक नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती गई। मैं हॉस्पिटल में गया, आयुर्वेद की चुपके से दवाई मंगवाता था पैसे इकट्ठे कर करके, और फिर डॉक्टरों के पास जांचें करवाता था, जांच में कुछ नहीं आता था। दिमाग से इतना हताश हो गया था कि हंसते जाता, भूख मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, पाचन शक्ति, यानी मैं अगर 2 रोटी भी खा रहा हूँ तो वो उसे पचा नहीं पा रहा था, जिसके बाद मुझे कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए इसका अंदाज़ा ही नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि मेरी पाचन शक्ति बिल्कुल जीरो हो चुकी थी दोस्तों। मैं विवश हो चुका था, मुझे लग रहा था कि अब मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस बीमारी ने मुझे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। दोस्तों मैंने फिर भी ये अनुमान लगाया कि चलो ठीक है, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाले वाला दिन होता है, हर रात के बाद उजाला होता है। इस आशा में मैंने दोस्तों बहुत सारा इलाज कराया, डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, मैंने जो जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है जैसे पंचकर्म है, होम्योपैथी है, सारी चिकित्साएं करवाई दोस्तों। और परहेज दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने परहेज नहीं किया, परहेज दोस्तों पूरा साल 8-9 साल तक परहेज किया मैंने दोस्तों। मैंने बिना परहेज के कोई भी दवा नहीं खाई दोस्तों, बस यही होता था, आराम पड़ता था हल्का सा और असर नहीं होता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बीमारी को कैसे ठीक करूं। आसपास जब दोस्तों से बात करी तो दोस्तों ने बताया कि हाँ हमें भी ये प्रॉब्लम थी लेकिन हमारी ठीक हुई। जब उनसे पता किया तो दोस्तों उनको जो प्रॉब्लम होती थी वो होती थी दोस्तों धात, धात यानी कि जो सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ रहता था वो जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन मेरे आसपास ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसे चिपचिपा पानी की प्रॉब्लम हुई हो। दोस्तों मैं विवश हो गया था, मैं पूरी तरह टूट गया था, मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं पूरे जीवन ठीक नहीं होऊंगा। दोस्तों मैंने कई आयुर्वेदिक नुस्खे करे, मैंने आयुर्वेदिक किताबें खरीदना चालू करी, उसमें पढ़ना चालू किया, लेकिन दोस्तों कोई कभी नुस्खा कोई काम नहीं आया। दोस्तों 8 साल बीतने के बाद मैंने एक वीडियो देखा था शीशम का। दोस्तों शीशम
का वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि शायद शीशम का प्रयोग अपने को करना चाहिए। शीशम का मैंने यूज़ नहीं किया था उस टाइम पे। दोस्तों शीशम का जब यूज़ किया तो शीशम ने पहले दिन से असर चालू किया। वो असर ऐसे चालू किया कि दोस्तों मैंने 8 पत्ती सुबह खाई और 8 पत्ती शाम को खाई। दोस्तों शीशम में एक गुण होता है, वह होता है भूख उत्पन्न करना, भूख बहुत ज़्यादा लगाना, पेट बिल्कुल साफ करना। और ये जो बीमारी है चिपचिपानी दांत की, ये दोस्तों मेन प्रॉब्लम उसी के ऊपर है, पेट के ऊपर। यदि आप भूख आपकी सही कर लेंगे, पाचन शक्ति आपकी सही कर लेंगे, तो बीमारी पल भर में खत्म हो जाएगी। दोस्तों बस मैंने शीशम का यूज़ किया, लेकिन इसके साथ मैंने सिंघाड़े का भी सेवन किया। सिंघाड़ा दोस्तों जो ठंड के दिनों में मिलता है, उसका हलवा बना के खाया तो उसने मेरा वीर्य है बहुत गाढ़ा बनाया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाया, और शीशम ने मेरा जो है पेट वगैरह क्लीन किया। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और मैं जो 8 से 9 साल तक ये प्रॉब्लम भुगत रहा था, वो प्रॉब्लम ठीक हुई। दोस्तों मैंने डॉक्टर के पास भी गया, और आप भी जाते होंगे, लेकिन डॉक्टर हमेशा यही बताते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल मानसिक रूप से सोच है आपकी, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों इस प्रॉब्लम में कुछ खा नहीं सकते, कुछ भी, इतना कमज़ोर हो जाता है हमारा शरीर कि कुछ भी खाओ, आप सेमफल भी खाओगे, आप हल्का सा कुछ भी खा लोगे तो आपको दर्द होने लगेगा, पेट दर्द होगा, कमर दर्द होगा, मतलब परेशान हो जाता है आदमी। तो दोस्तों बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसको आप निगेटिव में मत लीजिए।